एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो आज फाइनली मैं स्टार्ट कर रही हूँ ग्रुप थ्योरी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वाले टॉपिक की, मैम करवा दो। तो देखो, मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल रही हूँ कि ये वाला टॉपिक ना समझाना इतना इजी नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होता है इसमें 3D में इमेजिन करनी होती है चीजें, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि मैं आपको 3D में इमेजिन करवा पाऊँ। बट मैं ट्राई करूंगी, और शायद ना यही रीजन है कि इस वाले चैप्टर पे मतलब यूट्यूब पे इतने ज्यादा वीडियोज नहीं है, वो जो है वो बिल्कुल बेसिक वाली वीडियो है जिसमें मैं सीधा या नेट में से हेल्प नहीं हो पाती है। तो मैंने ट्राई जरूर करूंगी आपको समझाने का, बट यस, एक बहुत ही ऑनेस्टली आपको चीज बोल रही हूँ, आप ऑनेस्टली ट्राई करना इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको कुछ चीजें क्लियर हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर वो समझ में आए तो प्लीज मुझे बताना कि हम समझ में आ रहे हैं। और अगर ना आए, इनकेस आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस चल रहा है ऐसे, तो प्लीज मुझे बता देना कि हम समझ नहीं आ रहा है, ताकि कोई ना कोई और सोल्यूशन निकाला जाए उस चीज का। क्योंकि देखो, चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एमसी लेवल के बाद हमें चीजें आनी चाहिए 3D में इमेजिन करनी। तो ये वाली वीडियो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है। बस एक बात ध्यान रखना कि वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ना इस चैप्टर पे थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं समझा पाऊंगी या नहीं। वरना मैं आपको किसी चैप्टर के लिए बोलती नहीं हूँ, बट इस वाले थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी बेसिकली होता क्या है? मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री ना हम बहुत जगह पे यूज करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, स्टीरियो में इतना सारा यूज करते हैं हम। ऐसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सिग्नल्स निकालते टाइम प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दोनों सेम आएंगे, इस तरह से हम करते हैं। तो आज हम सिर्फ वही सीखेंगे कि होती कैसे है। अब ना ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, मतलब हम पॉइंट ग्रुप तक पहुंचे कि पॉइंट ग्रुप निकालना आए, उससे पहले कुछ चीजें होती है। जैसे आपको पता चले कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अब ना कुछ चीजें जो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है सिमेट्री एलिमेंट्स में? इसमें हम पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको मैं लिख रही हूँ AOS। अब AOS आप समझ आ रहे हैं, मैं पूरे चैप्टर में अभी भी यूज करूंगी। तो AOS इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस वाली वीडियो में आपको यही देखना सिखाऊंगा कि हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते कैसे है। उसके बाद होता है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। और लास्ट में हमारा होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमें क्या करना है इस वाली वीडियो में आपको समझाऊंगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझाने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये कि चलो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले ये दो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, एक होती है इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है आइडेंटिकल। दो टर्म्स हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है ग्रुप थ्योरी में, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक कोई कंफर्मेशन है जो कि इक्विवेलेंट है, और एक है आइडेंटिकल। इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ना हमारा बहुत ही सिंपल सा मॉलिक्यूल, आप जिस भी बुक में देखोगे, जिस भी टीचर को देखोगे, वो स्टार्ट करेगा हमेशा ही वाटर मॉलिक्यूल से। तो हम भी स्टार्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल से। ऑक्सीजन यहाँ पर है H। अब मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी की बात नहीं कर रही हूँ। बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक होता है इक्विवेलेंट और एक होता है आइडेंटिकल, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। देखो मैंने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो अब क्या होगा, देखो हमें अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, दोनों ही हमारे पास सेम बॉन्ड्स हैं, दोनों ऑक्सीजन लगे हुए हैं। अब क्या है, हम सिर्फ अपनी मतलब अपने कंफर्ट के लिए क्या कर रहे हैं, इसको वन मार्क कर रही हूं मैं, इसको टू मार्क कर रही हूं। तो ये मतलब मेरा एच आइटम वन है, ये टू है। अब इसको अगर मैं रोटेट करूं, जैसे यहां पर सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही हमारे पास होते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस, सिमेट्री ऑपरेशंस। इसके लिए आपको अलग से डेफिनेशन या कुछ सीखने के लिए नहीं है, बस ऐसी चीजें जो हम पूरे टाइम ग्रुप थ्योरी में यूज करेंगे, इसलिए आपको फर्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। तो इस सिमेट्री ऑपरेशंस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, सबसे पहले रोटेशन, ये टर्म आपको बहुत यूज करते हुए दिखूंगी मैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और साथ में इन्वर्जन, ये चीजें हैं। बस हमें यही देखना है किस तरह से यूज होती है ग्रुप थ्योरी में। तो सबसे पहले बात यह है कि रोटेशन का मतलब ये है, सपोज करो मैंने यहाँ पर ना एक ऐसे एक्सिस पास करी, अब मैं आपको बताऊंगी एक्सिस मैंने यहीं से जो पास करी पहले देखते हैं। सपोज यहां से मैंने एक्सिस पास करी, अब क्या किया मैंने कि इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दू। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे ट्राई करो समझने की, जो ये दो बॉन्ड है मेरे पास, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, तो मानते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है ये वाला मेरा H2 है, ये वाला। अब मेरे नेल को समझ सकते हो, ये है H2 और ये है H1।
ठीक है, ये एच टू, ये एच वन। अगर इसको मैं रोटेट कर दूं, रोटेट यहाँ पे सपोज करते हैं ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे एच टू, यहाँ पर एच वन, तो इसको अगर मैं रोटेट कर दूं ऐसे करके तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये है मेरा एच वन, तो मैं इसको पकड़ के रखती हूँ एच वन, जैसे ही रोटेट किया तो जो एच वन है वो एच टू के प्लेस पे चला गया है, तो मैं इसको ऐसा ले सकती हूँ कि अब जो मेरा एच वन था वो तो चला गया है एच टू के प्लेस पर यहाँ पर, और जो ये एच टू है ये आ गया यहाँ पर इस वाली पोजिशन पर, ऐसे ही हुआ है। अगर मैं ये H1 है, ये H2 है, जैसे ये रोटेट किया तो H1 आ गया H2 की पोजीशन पर, H1 आ गया H2 की पोजीशन पर। तो अब ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। अब मैं क्या कर दू, एक बार फिर से अगर मैं रोटेशन करवा दू इसकी, फिर से एक बार ये रोटेशन हो जाएगा। देखो पहले ऐसे था एच वन एच टू, जैसे ही मैंने H1 H2 जैसे ही रोटेट किया ऐसे करके, तो ये मेरा H1 है, ये H2 है। अगर मैं फिर से इसकी रोटेशन करवाऊं, मतलब एक बार ऐसे करके फिर से, जैसे सपोज करो ऐसे करके मैंने वापस से रोटेशन करवा दी, तो क्या होगा, वापस से अपना H1 अपनी प्लेस पे आ जाएगा यहाँ पर, और वापस H2 यहाँ पर चला जाएगा रोटेशन के बाद। तो अब जो ये दोनों है ये क्या है, आइडेंटिकल। अब देखो आइडेंटिकल तो बहुत ईजी है, आइडेंटिकल का मतलब है जो नंबरिंग हमने जैसे स्टार्टिंग में करी हुई थी, रोटेशन के बाद भी मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। मतलब रोटेशन के बाद क्या हुआ है, ऑक्सीजन अपनी प्लेस पर है, H1 अपनी प्लेस पर है और H2 अपनी प्लेस पर है, तो इसको तो हम बोलते हैं कि जो बिल्कुल सेम टू सेम दिखे, जो हमारे स्टार्टिंग वाला मॉलिक्यूल था वैसे ही अगर हम ये भी दिखे तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल। अब इक्विवेलेंट क्या होता है, आपको ये चीज बहुत ध्यान से, इक्विवेलेंट में आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझनी है, वो ये कि देखो जैसे यहाँ पे इक्वी वाला एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो रोटेशन के बाद यहाँ पे जो H1 के प्लेस पे H2 आ गया, तो ये वाली बात तो ठीक है कि H1 के प्लेस पे H2 आया है, तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जो एटम यहाँ पर है वही एटम वापस से यहाँ पर भी आया, मतलब H को रिप्लेस, ये वन टू हमने खुद से लगाए हैं, ये मॉलिक्यूल पे वन टू पहले से मार्क नहीं थे, तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि रोटेशन के बाद H की पोजिशन पर H ही आया है। तो अगर ऐसा होता है कि H की पोजिशन H ही ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन या फिर कंफर्मेशन, मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, जैसे दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अब ना जैसे सपोज करते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे H लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है Cl, अब अगर मैं इसके रोटेशन करवाऊ, मतलब इसको ऐसे करके रोटेट करवा दू, अगर ये मेरा हाइड्रोजन है, अगर ये मेरा हाइड्रोजन है, ये Cl है, इसको अगर मैं रोटेट करवाऊ तो Cl मेरे H के प्लेस पर आ गया है, तो रोटेशन के बाद ये कैसे बनेगा, ये Cl यहाँ पर आ गया और ये H यहाँ पर आ गया, अब क्या ये आपस में इक्विवेलेंट है, तो नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट। आपको अब समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि रोटेशन के बाद H के प्लेस पे H ही आना चाहिए, उसका नंबर चाहे चेंज हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में नंबर नहीं है मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर हम H2O की बात करें, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हम दोनों H में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम ही रहेगा। तो अगर H को रोटेशन के बाद जो भी एटम हमारे पास इनिशियली प्रेजेंट है, अगर बाद में वही एटम रहता है रोटेशन के बाद भी, तो वो होती है हमारी इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन। मतलब यहाँ पर H1 और H2 तो है, H1 की जगह पे H2 तो आ गया है, बट अभी भी है तो वो H ही, लेकिन इस वाले केस में अगर हम देखें तो रोटेशन से क्या हुआ, H के प्लेस पर आ गया है Cl और Cl के प्लेस पर चला गया है H, तो ये आपस में क्या है, नॉट इक्विवेलेंट। तो ऐसे वाले क्या है, आपस में ये इक्विवेलेंट नहीं है। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो आपको मैं आगे बताती हूँ। एक और बात है इससे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि आपको ना कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए, मतलब जो एक्सिस होती है हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस, अब तक हम जितना पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हमारे जो ग्राफ पे हम फ्लोट करते हैं तो क्या करते थे, यहाँ पे एक्स एक्सिस होती थी, यहाँ पर वाई एक्सिस, ऐसे ही फ्लोट करते थे। अगर मैं इसको पूरा कम्प्लीट करवा दूं ऐसे इस तरह से, तो हमने क्या पढ़ा है अपने जूनियर क्लासेस में, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये माइनस एक्स, अगर ये वाई है तो ये माइनस वाई, इतना बिल्कुल ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, सबके बीच का ही एंगल क्या है, 90 डिग्री, ऐसे ही इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होते, यहां तक आपको बस एक बात सीखनी है, एक ना होती है 180 डिग्री रोटेशन, आपको बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं पहले, बाद में हम टॉपिक पे जाएंगे। 180 डिग्री रोटेशन का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ 180 डिग्री रोटेट कर दूं इसको, तो 180 का मतलब होता है कि जैसे सपोज अगर मैं आपको पेन से समझाऊं, इस तरह से अगर हम ले लें ऐसे, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऑरेंज वाला पेन इज एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब मैं आपको बोल रहा हूं आपको करना है इसको 90 डिग्री रोटेट, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब इसको अगर मैं ऐसे कर दूं,
तो ये क्या हुआ, जो अगर ये ऐसे ले लें हम इस तरह से कर लें तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब मैं आपको बोलूँ इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दूँ, तो 90 डिग्री पर रोटेट करने का क्या मतलब है, इसको मैं नीचे ले जाऊंगी यहाँ पर ऐसे करके, ये वाला है 90 है ना इसका, तो इसको मैं यहाँ पर ले आऊंगी और इसको यहाँ पर ले जाऊंगी, तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, जैसे दिस इज वाई दिस इज एक्स, तो इसको अगर मैं एक्स को नीचे ले जाऊँ ऐसे पकड़ के यहाँ पर और इसको ले जाऊँ वाई, तो ये क्या हुआ है 90 डिग्री रोटेशन हुई है। मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रेट था अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया है, जो वर्टिकल लाइन थी अब वो हॉरिजॉन्टल बन चुकी है और जो हॉरिजॉन्टल थी वो वर्टिकल बन चुकी है। तो जहां पर भी आप ऐसे रोटेशन की नीड भी नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया रोटेशन कैसे हुई है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है अगर कोई वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल अगर बन जाए तो आप कहोगे वो 90 डिग्री की रोटेशन हुई है। समझ आया, अगर कोई हॉरिजॉन्टल वाली वर्टिकल बन जाए तो वो भी क्या है 90 डिग्री की रोटेशन है। उसके बाद एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 180 डिग्री रोटेशन क्या होती है, 90 हॉरिजॉन्टल आया वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बन गया हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। अब 180 डिग्री का क्या मतलब है, अगर 180 डिग्री की बात करें हम तो पूरा मॉलिक्यूल इन्वर्स हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर ये वाली मेरी ऐसे मैं इसको लगा दूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, 180 का मतलब है ये जो प्लस वाई है ये माइनस वाई बन जाएगी ऐसे, मतलब ये अपनी पोजीशन छोड़कर अगर हम वैसे भी देखेंगे तो पहले देखो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल हुआ 90 डिग्री, फिर से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हुआ 90 डिग्री, तो ओवरऑल कितना हो गया 180 डिग्री, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल 90, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वापस से 90, दो बार 90 मतलब 180। याद हम कैसे रखेंगे इसको, अगर 180 रोटेशन है मतलब पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं इसको 180 रोटेशन दूं तो मेरे जो प्लस वाई एक्सिस है वो माइनस वाई बन जाएगी, मतलब यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है, अगर इसको 180 रोटेट कर दिया जाए तो ये होगा ये कि जो ये वाली एक्सिस है वो यहाँ पर चली जाएगी। अगर हम किसी की बात नहीं करते, हम सिंपल बात करते हैं, एक ही लाइन है इसको मुझे पॉइंट से ए बी मुझे करना है इसको 180 डिग्री रोटेट, तो 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब ये है मैं इस लाइन को पलट के ऐसे बनाऊंगी। अगर ये पेन मेरे पास है मुझे करना है इसको 180 डिग्री रोटेट, तो मैं इसको ऐसे 180 रोटेट कर दूंगी, मतलब जो इसकी कैप है अब वो देखो इस तरफ से आ गई, मतलब पूरा मॉलिक्यूल पलट जाएगा। अगर इसके बाद में रोटेशन की तो यहां पर आ जाएगा बी, रोटेशन के बाद यहां पर आएगा ए, इस तरह से पूरा मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं 3D सिस्टम की तो पूरी उसमें ग्रुप थ्योरी में कैसे यूज करने वाले हैं, इसको मैं हमेशा मानूंगी जेड एक्सिस, हर जगह पर मैं यही अप्लाई करूंगी, इसको मैं मानूंगी जेड एक्सिस, ये होगी मेरी एक्स एक्सिस और ये होगी मेरी वाई एक्सिस। अब ये तीनों ही आपस में क्या है, ये आपको शायद देखने में ना लगे बट ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल भी है 90 डिग्री का और इन दोनों के बीच में भी है 90 डिग्री एंगल, चाहे आपको देखने में ड्रॉ करने से समझ ना आया हो बट ये 90 डिग्री का एंगल है। देखो ये किस तरह से है, ये है मेरी जेड एक्सिस यहाँ पर और ये है मेरी एक्स एक्सिस और वाई ऐसे है, y इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये तो x और z आपस में परपेंडिकुलर और जो y है y इन दोनों के परपेंडिकुलर इस तरह से है, ठीक है। तो जो ऐसे ग्रो किया हुआ है ये एक्चुअल में ऐसे है, इस प्लेन के साथ ऐसे है, तो ये हमारा हो गया है सिस्टम। अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ आपको z के अराउंड रोटेशन करवानी है, वो भी कौन सी 180 डिग्री की, मैं आपको बोल रही हूँ जेड के अराउंड 180 रोटेट कर दो इस मॉलिक्यूल को, तो क्या करेंगे 180 का मतलब पूरा पलट देना है, तो अगर मैं इसको पलट दूंगी तो क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा और ये पलटने के बाद क्या करेगा बैक साइड पे चला जाएगा और ये अपनी पोजीशन पर ही है, तो क्या होगा देखो अगर मैंने इसको 180 रोटेट किया है यहाँ पर तो क्या होगा मेरा z के अराउंड रोटेट किया है 180, तो जो मेरा x पहले ऐसे था वो ऐसे आ गया, अब 180 के बाद पूरा पलट गया और जो ये ना जो आगे की साइड था वो पीछे की साइड चला गया, तो अब यहाँ पर क्या हुआ 180 रोटेशन के बाद z तो अपनी पोजीशन पर ही है बट जो x है वो यहाँ पर आ गया है, ये हो गया मेरी x एक्सिस और जो y पहले ऐसे था अभी क्या हो गया इसके बैक साइड में चला गया ऐसे ऐसे हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बनाया है 90 डिग्री के लिए कि वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल बन जाएगा वो होता है 90 डिग्री, ऐसे ही अगर हमें 180 के लिए बनाना हो कुछ ऐसे ही, अगर हमें कोई कंफ्यूजन लेके चलना हो तो 180 का मतलब होगा जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, बस अपना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, सपोज यहाँ पर ऐसे है तो इसी डायरेक्शन में पीछे की साइड हो जाएगा, बस जो आगे है वो बैक साइड में चला जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, ये वाला हाँ ये वाला दैट मेक सेंस, लेफ्ट वाला जो है वो राइट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा और जो फ्रंट में है वो बैक पे चला जाएगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है अभी 180 का मतलब ये, बस हमें 90 और 180 ही समझना था, बाकी हम अपने आप आगे से देख लेंगे। अभी मैं बात करने वाली हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, किस तरह से होती है, किस तरह से हम यूज करते हैं, बस
तरह से होती है। अभी स्टार्ट करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS, जो अपने पर्टिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं CN से। CN N क्या होता है यहां पर, N होता है ऑर्डर, N इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्सिस। ये सारी बातें मतलब क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, मतलब हमें कोई पेपर में कोई कोई पूछेगा नहीं, बस सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ। तो आप देखो N की वैल्यू हम निकालते कैसे, N की वैल्यू निकलती है 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकालने का फॉर्मूला। आगे हम ये भी यूज नहीं करेंगे, मैं आपको हर चीज की ट्रिक बताऊंगी। अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है, जो भी मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत सारे आपके डाउट्स को क्लियर करेगी लाइन। जो भी मॉलिक्यूल आपके पास गिवन है उसमें आपको इमेजिनरी एक्सिस पास करनी है, वो एक्सिस इस तरह से पास करनी है कि वो मॉलिक्यूल को सिमेट्रिकली बाइसेक्ट करे। समझ आया, इमेजिनरी एक्सिस हम पास करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस जो एक्सिस सिमेट्री होती है वो एक इमेजिनरी एक्सिस है, और वो हम पास किस तरह से करते हैं, पास करने के लिए मतलब एक रूल होता है कि हमेशा आप सिमेट्रिकली पास करोगे मॉलिक्यूल में से। ये वाला वर्ड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सिमेट्रिकली पास करना है, क्योंकि मैं अपना खुद का बता रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आती थी ग्रुप थ्योरी, तो मैं सोचती थी कि देखो जैसे वॉटर मॉलिक्यूल है, मुझे इससे मैं देखना चाह रही हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो मैं क्या करती हूँ कोई भी ऐसे बोलती हूँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब मैंने क्या किया इमेजिनरी एक्सिस पास कर दी, लाइन पास कर दी है। अब ना मुझे डाउट ये आता था कि इसको मैं यहीं से क्यों पास कर रही हूँ, मतलब टीचर तो बताते थे तो उससे बोलते थे कि हमें यहाँ से पास कर दो, तो मुझे डाउट ये आता था कि आप ऐसे क्यों पास कर रहे हो, मैं सोच सकता इसको ऐसे पास कर दूँ, यहाँ से भी पास कर सकती हूँ मैं तो इसको कट करते हुए, या फिर मैं ऐसे भी तो पास कर सकती हूँ वैसे करके, आप बीच से क्यों पास कर रहे हो। तो रूल ये होता है कि जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हम बात करेंगे इंटायर ग्रुप थ्योरी में, वहां पर क्या होगा वो सिमेट्रिकली पास करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू SF4 का, अगर हम इस तरह से मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लें यहाँ पर SF4 ऐसे, तो आप एक्सिस कहां से पास करोगे। तो मैं मुझे इस वाले मॉलिक्यूल स्पेशल वाला मतलब बहुत ही बुरा डाउट रहा था, मुझे लगता था कि मैं एक्सिस यहां से क्यों नहीं पास कर सकती ये वाली एक्सिस। अब मैं इसके अराउंड इसको रोटेट करवा देती हूँ, रोटेट कराने से क्या होगा जो यहाँ वाला मॉलिक्यूल यहां चला जाएगा, मतलब जो ये वाले दोनों आइटम्स है वो साइड चले जाएंगे अगर मैं रोटेट करवाऊँ तो। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो एक्सिस आप पास करें वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब है जहां से भी एक्सिस ड्रॉ करी उसके लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों सेम सेम एटम्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब ये वाली एक्सिस मैंने पास करी, लेफ्ट साइड पे तो दो एफ है बट राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, आप ये वाली एक्सिस पास नहीं कर सकते हो, इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं यहां से पास करूं एक्सिस देखिए, यहां से अगर मैं पास करूं तो देखो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पर तो मुझे फ्लोरीन दिख रहा है बट यहाँ पर कोई फ्लोरीन नहीं दिख रहा, और अगर मैं ये भी मान लूंगी कि फ्लोरीन हो गया ये होगा तो ये तो एक्स्ट्रा आ गई, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, है ना। तो आप ऐसे पास नहीं कर सकते हो। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये कि मैं इसको यहां से पास करूं। मेरे को तो सारे सॉलिड वाला डाउट था कि भाई यहां से क्यों नहीं पास कर रहे, इसको सेंटर से क्यों पास कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा ही सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब जिसको मैं यहां से पास कर रही हूँ तो क्या होगा, इसे ऊपर साइड पे फ्लोरीन है, नीचे साइड पे फ्लोरीन है, इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि आप सिमेट्रिकली इसको पास करोगे, उसके बाद हम रोटेशन का देखेंगे। उसके अगर सिमेट्रिकली पास कर देते हैं हम तो फिर तो रोटेशन ईजी हो जाती है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अब मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ एग्जाम्पल्स जिसमें हमें निकाली है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना फेवरेट मॉलिक्यूल वॉटर H2O। यहाँ पर मैंने लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पर लिखा H, यहाँ पर लिखा H। क्या करना है, सिमेट्रिकली एक इमेजिनरी लाइन पास करनी है मॉलिक्यूल से। तो सिमेट्रिकली कैसे होगा, अगर मैं यहां से लाइन पास कर दूं तो इस साइड में दोनों H होंगे और ऊपर की साइड कोई भी H नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो जाएगा, मुझे लाइन पास करनी पड़ेगी इसके सेंटर से ऐसे। तो ये है मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसलिए इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पास करेंगे तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने इसको पास किया यहाँ पर। अब हमें यहाँ करना है रोटेशन करवाना है। देखो अब ना एक ये बात है कि मैंने जब रोटेशन करवाई थी तो मैंने इसको 1-2 किया था, तो मैंने डायरेक्ट 180 डिग्री की रोटेशन करवाई थी। 180 का मतलब पूरा पलट देना इसको, जब पूरा लेफ्ट वाला पार्ट अगर राइट बन जाए या फिर राइट वाला लेफ्ट बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं, या फिर फ्रंट वाला बैक बन जाए तो वो कौन सा होता है, 180 डिग्री रोटेशन। अब मैं क्या करूं, लेफ्ट वाले पार्ट को राइट बना रही हूँ, राइट वाले को लेफ्ट बना रही हूँ, उसको क्या बोलेंगे, सिंपली इसको हम बोल देंगे 180 डिग्री रोटेशन। इतना आपको समझ में आया, क्या बताती थी मैं,
हाँ इतना हम कर लेते हैं। उसका जो एन होता है वो है 360 डिग्री अपॉन थीटा, थीटा मतलब जिससे हम रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 360 तो हमारा फिक्स है। अब मैंने इसको रोटेट किससे किया है, रोटेट किया है मैंने 180 डिग्री से। तो 0 से 0 कैंसिल, 18 1 18 18 2 36, तो एन आ गया है हमारे पास 2। तो जो ये एक्सिस है इसका नाम हो जाएगा C2 एक्सिस, ये है मेरे पास C2 एक्सिस। लेकिन हम हर केस में ये निकाल के नहीं देखेंगे कि 180 की रोटेशन तो यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते जाएंगे हमें वैसे ही याद हो जाएगा। तो ना मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पहले जैसे हमने मॉलिक्यूल लिया, हमने इसको रोटेट कर दिया। अब क्या क्या मैंने इसको यहाँ से रोटेट करवा दिया। अब ना एक क्वेश्चन ये भी आता था मुझे, आता था, मैं आपको अपने क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं मान लू इसको, ये अगर मैं मान लू ये वॉटर मॉलिक्यूल है, सपोज ऐसे एक ये वाला ऑक्सीजन एटम है, ये वाला एटम है, मतलब सॉरी ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये है मेरा ऑक्सीजन। अब मुझे ये लगता था इसको आप रोटेट ही करवा रहे हो तो ऐसे पूरा क्यों रोटेट करवा रहे हो, इसको 180 क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर देते। जैसे सपोज करो ये ऐसे है, ये एच, ये एच, ये ऑक्सीजन, इसको आप ऐसे क्यों रोटेट करवा देते। मुझे ऐसा लगता था कि जब हम रोटेशन करवा ही रहे हैं तो उसको पूरा क्यों पलट रहे हैं, मतलब ऐसे क्यों करवाना है, इसको बीच में रोक दो। हमेशा जरूरी थोड़ी कि 180 की करवानी है, तो उसको हम ऐसे भी रोक सकते हैं 90 पे। समझ रहे हो आप, जो ये ऐसे है इसको मैं घुमा के सिर्फ इतना ही रखूं तो ये कितनी हो जाएगी 90 डिग्री की रोटेशन, क्योंकि जो पहले ऐसे था इस वाले प्लेन में अभी ऐसा हो गया है। आप ऐसे मान लो जो पहले हॉरिजॉन्टल था अब वो वर्टिकल हो गया है, तो मैं 90 की रोटेशन तो दे सकती हूँ उसको। अगर मैं 90 की रोटेशन इसको देती हूँ तो क्या होगा, जो ये वाला एच है मेरा ये आगे की साइड आ जाएगा ऐसे, और जो ये वाला एच है ये बैक साइड में चला जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये भी तो एक तरह की 90 डिग्री रोटेशन ही है। इसको क्यों नहीं मान रहे हो, इसको इसीलिए नहीं मान रहे क्योंकि हमें जो रोटेशन के बाद जो मॉलिक्यूल चाहिए वो कैसा चाहिए, वो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल चाहिए। और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो जहां पे भी एटम पहले प्रेजेंट था एटम की जगह पे वापस से एटम आना चाहिए। तो जब इसको रोटेट करवा रहे हो तो जो ये वाली पोजिशन है ये वेकेंट नहीं रहनी चाहिए। अगर आप इसको ऐसे कर देते हो तो जो ये वाली पोजिशन यहाँ पे तो वेकेंट रहेगी, इस वाले ऐसी पोजिशन वेकेंट रहेगी, आपने तो उसको बीच में ही छोड़ दिया। आपको रोटेट करवा के वापस उस पोजिशन को लेकर आना है एटम को, इसलिए इसको हम 180 डिग्री रोटेट करवाते हैं। मुझे तो ये वाली बात बहुत ज्यादा देर जाके क्लियर हुई थी, तो इसलिए उसको ऐसे रोटेट करवाते हैं। और रोटेट करवाने से क्या होगा, H2 इसकी प्लेस पर आ गया और H1 इसकी प्लेस पर आ गया। तो ये आपस में दोनों क्या है, ये है इक्विवेलेंट। और जब भी इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल आ जाए तो हम उसमें बोलते हैं कि वहां पर हाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, रोटेशन करवाने से ऐसी एक्सिस जिसको हम सिमेट्रिकली पास कर दें और अगर रोटेशन करवाए तो इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन आनी चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 90 से इसको रोटेट करवा दूं, 90 से रोटेट करके हमने ये ले लिया तो 360 डिवाइड बाय 90 कितना होता है 4। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये है C4 एक्सिस। तो C4 एक्सिस पे क्या होता है, अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करवा दूं मतलब इसमें मैं क्या बोलूँ कि C4 एक्सिस है, बट C4 एक्सिस से क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन नहीं आ रही है। तो इसमें C4 नहीं है, इसलिए वोटर में क्या होती है C2 एक्सिस हो रही है। C2 एक्सिस होती है क्योंकि 180 डिग्री रोटेट कॉन्फिगरेशन वही मुझे चाहिए। अगर मैं फिर से लगा दूं एक बार, कोई नीड नहीं है वैसे तो, हमें सिर्फ देखनी होती है कौन सी एक्सिस है, तो C2 है क्योंकि जब मैं इसको 180 रोटेट करवाती हूँ तो मेरे पास आती है इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन। एक बार फिर से इसमें C2 लगा दूं, फिर से C2 लगाने का मतलब इसको फिर से 180 डिग्री रोटेट करवा दूं, तो ऐसे बना देगा यहाँ पर, रेस्ट कर देगा यहाँ पर। तो अब हमें पता चलेगा कि वॉटर के अंदर क्या होती है, C2 एक्सिस होती है। ओके, अभी हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं, थोड़ा सा हम बात करते हैं 3D की। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर हम देखें, या फिर 3D की बात नहीं करते, उससे पहले ना BF3 देते हैं। BF3 कैसा होता है, बोरोन यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। अब मैंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, सिमेट्रिकली एक्सिस ड्रॉ करनी है। अब देखो इसमें ना बड़े सारे तरह की सिमेट्री हो जाएगी। एक तो ये कि अगर मैं, अच्छा एक काम करते हैं इसको ना यही छोड़ते हैं, उससे पहले करते हैं NH3, वरना कंफ्यूजन हो। अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये नाइट्रोजन यहाँ पर H, ये आउट ऑफ प्लेन दिखाते हैं H को, और एक ये ऐसे यही होता है अमोनिया का स्ट्रक्चर, यहाँ पर होते हैं लोन पेयर्स। पहले भी एक्चुअल में क्या है, टेट्राहेड्रल होती है इसकी ज्योमेट्री, और शेप कौन सी होती है, पिरामिडल। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप क्या करोगे, अगर मुझे यहाँ पे चेक करनी है कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो मैं क्या करूंगी, सिमेट्रिकली लाइन पास करूंगी। तो मैं क्या करूंगी इसको सिमेट्रिकली, का मतलब क्या, यहाँ से मैं लाइन पास नहीं कर सकती, इस साइड दोनों एच आ जाएगी, उस साइड कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल का मतलब मुझे इसके सेंटर से ऐसे लाइन पास करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं सेंटर से लाइन पास कर रही हूँ तो
हाँ एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है ये, आपको बार बार एंगल निकालने की नहीं पड़ेगी। आपको ना बस इतना काम करना है कि एक सिमेट्रिकल एक्सिस पास कर देनी है। जैसे आप सिमेट्रिकल एक्सिस पास करोगे, रोटेट करवाओगे, तो बस आपको काउंट करना है कि रोटेशन के टाइम पे कितने एटम्स रोटेट कर रहे हैं। जितने भी एटम्स रोटेट करेंगे वही होगा उसका ऑर्डर। समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं? अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पर वॉटर, अब आपको बार बार एंगल निकालने की नीड नहीं है। सपोज ये वॉटर है, यहां से मैंने सिमेट्रिकल एक्सिस पास करी, तो आप क्या करोगे, ये मेरा वॉटर मोलिक्यूल हो गया। अब मैं रोटेट जब इसको कर रही हूँ, इस तरह से रोटेशन हुई अगर इसकी, ये वॉटर मोलिक्यूल ना इस तरह से रोटेशन अगर हुई, तो जो ऑक्सीजन है मेरा वो तो अपनी पोजिशन पर ही रहा। अगर यहां से भी हम देखें, अगर मैं पूरा रोटेट कर रही हूँ, तो ऑक्सीजन तो अपनी प्लेस पर ही है, सिर्फ पोजिशन किसकी चेंज हुई है, इन दोनों एच की। तो मतलब जब एक्सिस के अराउंड रोटेशन करवाते हैं, तो जितने भी मोलिक्यूल्स रोटेट करते हैं अराउंड एक्सिस, वो होता है उसका ऑर्डर। यहाँ पे दो एटम्स रोटेट कर रहे हैं, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर मतलब एन की वैल्यू होगी 2। तो डायरेक्टली हमें बार बार 180 से डिवाइड करके एंगल निकालने की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली बोलेंगे इसमें क्या है, सी टू एक्सिस। दो एटम्स रोटेट कर रहे हैं तो सी टू, तीन एटम्स रोटेट कर रहे हैं तो सी थ्री, इस तरह से मिलते हैं, चार एटम्स रोटेट कर रहे हैं तो सी फोर। अब हाँ, इसके लिए एक रूल है, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो ये वाली ट्रिक बता रही हूँ आपको कि एक्सेलेरोमीटर हमने पास किया, जितने एटम्स रोटेट करेंगे उसका ऑर्डर होगा, ये एक जगह पर नहीं लगेगी। कहाँ नहीं लगेगी, जब लीनियर मॉलिक्यूल होगा, लीनियर मॉलिक्यूल में आप इसको नहीं लगाओगे, बाकी सब जगह लगेगी। अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो ध्यान से लिखो, एक्सेलेरोमीटर पास करने से जितने एटम्स रोटेट करेंगे एक्सिस के अराउंड वो होगा उसका ऑर्डर, बट किस केस में नहीं लगेगा, जब भी मॉलिक्यूल हमें लीनियर दिया हुआ है, लीनियर मतलब क्या, जैसे सपोज करो HCl, ऐसे CO2, ये सारे क्या है, लीनियर मतलब सेम लाइन में जो होते हैं सारे एटम्स, उन वाले केसेस में क्या होता है, ये वाली नहीं लगेगी, बाकी आप सब जगह पे लगाओ। अब क्या करेंगे हम, वही करेंगे, हमने एक्सेस यहाँ पे पास करी, अगर मुझे अमोनिया ड्रो करना है, मतलब आपको दिखाना है सपोज, तो यहाँ पे ये मेरा इधर हो गया, ये ऐसे, ये वाला फ्रंट में है और ये वाला एच बैक साइड पर है, तो बैक साइड मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे ही होगा, ऐसे हो जाएगा मेरा अमोनिया, और इसके जो लोन पेयर्स है, सपोज करते हैं यहाँ पे लोन पेयर्स है, या फिर आप ऐसे मानो जो मेरे हैंड है इसलिए तो लोन पेयर्स मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक्सेस पास करी इसके सेंटर से, ऐसे करके यहाँ से आइए बिल्कुल सेंटर से पास करें ताकि वो सिमेट्रिकली डिवाइड करें उसको। अब मतलब आप क्या करोगे, उसको रोटेट करवाओगे इधर उधर जैसे भी लेके जाओगे, तो क्या होगा, नाइट्रोजन तो अपनी प्लेस पर है, सिर्फ जो ये तीन बोन्स है ये रोटेट करेंगे ऐसे ऐसे, मतलब पूरे सिर्फ यही रोटेट करेंगे। तो जैसे आप रोटेट करवाओगे इसके अराउंड, तो तीन एटम्स रोटेट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसमें क्या है, C3 एक्सिस, तीन एटम्स रोटेट कर रहे हैं तो C3 एक्सिस। तो हमारे अमोनिया में क्या होती है, C3 एक्सिस होती है। ऐसे अगर एग्जाम्पल करें, कंसीडर PtCl4 2-, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्क्वायर प्लेन है, तो यहाँ पे CN, यहाँ पर भी CN, यहाँ CN और यहाँ पर CN और ये 2-, एक्सिस स्ट्रक्चर है। तो अब आप क्या करोगे, हमें क्या करना है, सिमेट्रिकली एक्सिस पास करनी है, तो बहुत सारे एक्सेस आप सिमेट्रिकली पास कर सकते हो। अब यहाँ पर ना दो चीजें आती हैं, दो कंसेप्ट आते हैं, एक होती है प्रिंसिपल एक्सेस और एक सेकेंड टर्म होती है सब्सिडरी एक्सेस। अपना अभी आपको जो बोल पहले वो सुनो, बाद में हम देखते हैं सीधू इसमें कैसे है। ये मॉलिक्यूल है, सब कुछ प्लेन में है, अगर मैं इसको ड्रॉ करना हो मुझे ये PtCl4, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, दो मैंने ऐसे लगाए यहाँ पर, एक ऐसे लगाया और एक ऐसे लगाया, मतलब सब कुछ क्या है, प्लेन में है। ये दिखा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये मतलब इस तरह का मॉलिक्यूल है, ऐसे सब कुछ प्लेन में ऐसे इस तरह से है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक एक्सिस यहां से पास कर सकती हूँ सेंटर से, बिल्कुल ऐसे, मतलब लाइन यहां से पास करती हूँ, बैक साइड से निकलेगी यहां से ऐसे करके, एक लाइन मैंने यहां से पास करी। अगर मैं सेंटर से लाइन पास करती हूँ तो वो सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, क्योंकि उस लाइन के अराउंड क्या है, लेफ्ट साइड पर ये है तो राइट साइड भी ये है। अगर यहाँ पर आप ये कंसीडर कर रहे हो तो उसकी जगह ये भी है हमारे पास, तो मैं यहाँ से लाइन पास कर सकती हूँ सेंटर से। और अगर सेंटर से लाइन पास करके उसके अराउंड रोटेशन अगर मैं करवाऊँ तो क्या होंगे, सारे जो है प्लेटिनम अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि हमने यहीं से पास किया है, तो जिस भी एटम के थ्रू पास होती है वो तो अपनी पोजिशन फिक्स हो जाती है उसकी, तो यहाँ से अगर पास करेगा तो प्लेटिनम फिक्स है, बस ये CN है ये रोटेट करेंगे ऐसे से करके। तो कितने रोटेट कर रहे हैं, चार CN रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें ये जो ये वाली एक्सिस है मतलब यहाँ से, तो वो हो जाएगी हमारे पास C4 एक्सिस, इतना ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि मैम आपने यहाँ से जो पास करी है तो हम ऐसे तो नहीं पास कर सकते, अगर मैं ऐसे पास कर दूं यहाँ से तो भी तो ये सिमेट्रिकल है, तो ये वाली तो सारी इस लाइन के अक्रॉस आ गई ये वाली, तो और ये सारी लेफ्ट
तो ये भी तो होनी चाहिए, मतलब ये भी तो सिमेट्रिकल है, तो आप बिल्कुल सही हो गए आप ऐसे सोच रहे हो तो, क्योंकि ये भी क्या है सिमेट्रिकल है। अब इसके अराउंड अगर मैं रोटेशन कराऊं इस लाइन के अराउंड तो क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराना स्टार्ट करूं तो ये जो मैंने आपको बोला है जो लाइन में आ जाते हैं वो तो अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं। अगर यहां से रोटेट करवाएंगे इस लाइन को तो जो ये वाली लाइन अगर रोटेट करवाएंगे तो ये वाली उसके अराउंड ही रोटेट करेंगे, बस ये होगा ये वाली पोजिशन यहां पर हो जाएगी और ये वाली पोजिशन यहां पर हो जाएगी। तो तीन तो अपनी जगह पर है, बस दो की पोजिशन चेंज हो गई है, दोनों को ये रोटेशन करी है, तो अगर दोनों रोटेशन करी है तो ये एक्सिस कौन सी है C2, यहाँ पे क्या है C4, तो ये वाली C4 थी और ये वाली कैसी है C2 है। जैसे आपने यहां से C2 दिखाई है तो ऐसे भी सोच सकता है कि हम लाइन यहां से पास कर दें, लाइन हम यहां से पास कर दें, तो ये भी क्या है ये तीनों तो यहां से कट हो गए इसके साथ, बस अभी रोटेशन की अभी इस लाइन के अगर रोटेट अगर मैं ऐसे करके करवाती हूँ तो क्या होगा ये वाला यहां चला जाएगा इसकी पोजिशन पर और ये आ जाएगा इसकी पोजिशन पर। आपको समझ आ रहा है मैं कैसे बोल रही हूँ कि अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लें, भगवान जी ना दो तीन हाथ और दे दीजिए पकड़ने के लिए। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि यहां से लाइन पास करे तो रोटेट अगर मैं कराऊंगी इसके अराउंड तो क्या होगा ये ऐसे रोटेट करेगा, तो वो तो जो ये वाले तो अपनी पोजिशन पर ही रहे, बस हुआ ये कि जो मेरे ये ऑरेंज वाला पेन है वो उसकी पोजिशन पे चला गया पर्पल वाले की पोजिशन पर। तो बेसिकली दो रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C2 एक्सिस, इतना ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया C2 एक्सिस, अब इतना तो समझ में आया। अब हमारे पास C4 एक्सिस भी है और C2 एक्सिस भी है, तो जहां पर ऐसे नंबर ऑफ एक्सिस ज्यादा हो जाती है अलग अलग ऑर्डर की होती है तो वहां पर हम डिस्टिंग्विश करते हैं उनको प्रिंसिपल एक्सिस में और सब्सिडियरी एक्सिस में। अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है जिसका एन का ऑर्डर हाइएस्ट होता है, मतलब यहाँ पे C4 और C2 4 ज्यादा है 2 से, तो जो C4 वाली है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब 4 मैक्सिमम हो गया, एन की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जो इससे कम वाली होती है उन सबको हम बोलते हैं सब्सिडियरी एक्सिस। तो C2 वाली क्या है सब्सिडियरी एक्सिस और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमारे पास क्या है C4। तो यहां से हमारा PTCF4 क्लियर हुआ। अब हम जाते हैं अपने BF3 पर, देखते हैं उसमें किस तरह से होगा। अगर बात करें BF3 की, ये है यहां पर F, ठीक है, फिर से वही काम करना है हमें, ये दिखाना पर इजी है, इसको यहां पर ऐसे दिखाना, यही है हमारा BF3 मॉलिक्यूल। अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसके सेंटर से यहां पे लाइन पास करवा दूं तो वो भी सिमेट्रिकल है, उसके अराउंड रोटेशन हो ही रही है, अगर मैं यहां से पास करवा दूं ऐसे करके एक्सिस तो क्या होगा सारे एटम्स का रोटेट कर सकते हैं तीनों के तीनों। अगर मैं यहां से एक्सिस पास कराऊं तो रोटेशन ऐसे हो सकते हैं ना, सारी पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने एक्सिस पास करवाई, अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैम आप बिल्कुल सेंटर से पास करवाते हो हमें कैसे पता चलेगा इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगी या नहीं, तो देखो हम करके दे सकते हैं। अगर मैं यहां से पास करवा रही हूं एक्सिस, इसको मैं नाम दे दूं 1, 2, 3 इस तरह से, तो अगर मैंने यहां से पास करवाई तो ये इसकी पोजिशन पर जाएगा, ये इसकी पोजिशन पर जाएगा और ये इसकी पोजिशन पर जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा ये F जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया F2, F1 आ गया यहाँ पर और ये आ गया F3। तो ये रोटेशन कितने एक्सिस में आएगा, कितना है 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री है और 360 डिग्री डिवाइड बाय 120 डिग्री इज इक्वल टू 3, तो ऐसे मेरी कौन सी जाएगी C3 एक्सिस। इसलिए आपको बार बार एंगल ना निकालना पड़े, उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्सिस के अराउंड जितनी भी एटम्स रोटेट करेंगे उसको हम बोल देंगे उसका ऑर्डर। तो यहाँ पर 3 एटम्स रोटेट कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा C3, तो हमारे पास में क्या है C3 एक्सिस है। उसके बाद एक और काम हो सकता है वो ये कि मैं एक्सिस यहां से पास करूं, ये भी तो सिमेट्रिकल है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो जब आप इसके अराउंड रोटेट कराओगे तो ये दोनों दूसरे कट गए इस वाले एक्सिस से, तो ये तो अपनी पोजिशन पर ही रोटेट करेंगे, ये दोनों अपनी पोजिशन चेंज कर लेंगे, ये वाला जाएगा यहाँ पर और ये आएगा यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होगा जो F1 है वो यही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा F3 और यहाँ पर आ जाएगा F2। तो क्या होगा ये दोनों अपनी पोजीशन पर ही है, पोजीशन इन दोनों ने चेंज करी है, दो की रोटेशन हो गई थी, क्या हो जाएगी C2 एक्सिस। ऐसे ही जैसे आपने यहां से पास करी है मैं यहां से भी पास कर सकती हूँ, तो उस वाले केस में भी क्या होगा ये दोनों अपनी पोजीशन में रहेंगे और ये दोनों चेंज कर लेंगे, तो उसको भी क्या बोलेंगे C2 एक्सिस। तो BF3 में हमारे पास C3 एक्सिस भी है और C2 एक्सिस भी है, तो ये वाली कौन सी रहेगी, क्योंकि 3 क्या है ज्यादा है 2 से, तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो जाएगी हमारे पास सब्सिडियरी एक्सिस। इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम किस तरह से निकालते हैं, तो बस आपको जो बेसिक करवा था वो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, और उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके बाद
बाद में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगी जिसमें हम सारी चीजों को यूज करके पॉइंट ग्रुप निकालेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट ग्रुप निकालना नहीं सिखा सकती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको मैं बोलूंगी यहाँ से पास कर रही हूँ वहां से पास कर रही हूँ आपको समझ में आएगी मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ। तो इसलिए पहले दो तीन वीडियो में बिल्कुल बेसिक सीखेंगे फिर उसके बाद निकालेंगे पॉइंट ग्रुप और लास्ट में जाएंगे फिर कैरेक्टर टेबल। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कि समझ आ रहा है। ओके तो उससे मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ जो बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है। थैंक यू वंस अगेन।